हेलो फ्रेंड्स, निटिंग डिज़ाइन में ये देखिए, प्यारी सी कैप की डिज़ाइन कितनी खूबसूरत है। एक छोटी से बेबी का कैप मैं बनाई हूँ। ये देखिए, ये पीछे से ऐसा दिखता है, ये साइड में बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन। ये मैंने 0 से 6 मंथ के बेबी के लिए बनाया है। तो आइए देखते हैं कि इस कैप को हम कैसे बनाएंगे। ये देखिए, इस बेबी कैप को बनाने के लिए मैंने इस तरह से ये डिज़ाइन बना ली है। यहाँ पे ये लंबी लंबी धारियाँ बनी हुई हैं और साइड में ये बेड़ी बेड़ी उल्टे की ये धारियाँ बनी हुई हैं। तो उल्टे की ये धारियाँ देखिए, ये 1 2 3 4 5 6 7 लाइन ये बनी हुई हैं। तो इसको अभी हम थोड़े से उसमें बना के आपको दिखाते हैं कि इस धारियों को कैसे बनाया जाएगा। और यहाँ पर इस बेबी कैप में मैंने 62 फंदे लिए हैं। 62 फंदों में मेरे ये कैप की डिज़ाइन बनी है, जो न्यू बॉर्न बेबी से लेकर 6 मंथ के बेबी को ये आराम से आ जाएगा। और इस डिज़ाइन को बनाने के लिए ये बेबी उल मैंने लिया था। तो ये बेबी उल थोड़ा पतला होता है, तो ये देखिए, ये दो बॉल को मिला करके मैंने इसको डबल कर लिया है। और डबल करके 9 नंबर की सिलाई से मैंने बनाया है। अगर आप 10 नंबर की सिलाई से बनाना चाहती हैं और आपका ऊन थोड़ा मोटा है, डबल नहीं करना चाहती हैं, तो इसमें आप 10-12 फंदे एक्स्ट्रा कर लीजिए, तब भी ये डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत बन के आ जाएगी। और इसी फंदों को अगर आप थोड़ा ज़्यादा कर लीजिए, तो थोड़े बड़े बच्चों पे भी ये ड्रॉपी डिज़ाइन बहुत ही अच्छी आती है। तो आइए देखते हैं कि इस बीच वाली डिज़ाइन को थोड़े से फंदों में बनाना सीखते हैं। ये देखिए, यहाँ पर मैंने 26 फंदे लिए हैं, थोड़े से फंदे लिए हैं, जिसमें दो सीधा दो उल्टा, दो सीधा दो उल्टा, ये शुरू की हमारे फंदे डालने के बाद ये लाइनें इस तरह से बनी हैं। और दो उल्टा और दो सीधा बिनते हुए मैंने 4 सिलाई बिन ली है, ये देखिए। और इस बात का यहाँ ध्यान रखना है कि शुरू में हमारे अगर दो सीधे फंदे हैं, तो लास्ट में भी ये हमारे दो फंदे ही सीधे आएंगे। ये देखिए, 4 सिलाइयों के बाद हम ये बैक साइड से आ गए। बैक पोर्शन हमारा जो है पीछे का, वहाँ से हमारी ये डिज़ाइन स्टार्ट होती है। तो शुरू में देखिए, दो उल्टे थे, तो 1 2 उल्टा, और इन दो सीधों को भी उल्टा बनाएंगे। ये 3 4 और दो ये उल्टे हमारे और हैं, तो 5 और 1 6 फंदे हमारे यहाँ उल्टे हो जाएंगे। और इसके बाद हमारा जो फंदा सीधा है उसे सीधा बिनेंगे, और जो उल्टा है उसे उल्टा बिनेंगे। तो ये हो गया, देखिए, दो सीधे, 1 2 उल्टा, 1 2 सीधा, ये दो उल्टा, ये दो सीधे, दो उल्टे, फिर हमारे दो सीधे। इस तरह से बीच में हम पूरे दो उल्टे और दो सीधे की लाइन आएगी। और आखिरी में देखिए, फिर हमारे ये 1 2 3 4 5 6 फंदे बचे हैं। तो इन 6 फंदों को हम उल्टा ही बनाएंगे। ये 1 2 3 4 5 6, ये देखिए, अब हम सीधी तरफ आ गए हैं। तो ये डिज़ाइन वाली अब हमारी सेकंड रो हो गई है। तो शुरू के जो 6 फंदे पीछे से उल्टे थे, वो सामने से अब ये सीधे हो जाएंगे। तो ये 1 2 3 4 5 6, और फिर धागे को आगे करके फिर बीच वाले सारे फंदे हमारे वैसे ही रहेंगे। उल्टे फंदे को उल्टा बिनना है। और ये देखिए, सीधे थे तो सीधे, दो उल्टे दो सीधे, इसी क्रम में हम पूरा ये बनाएंगे। ये देखिए, फिर ये दो सीधे आ गए, दो उल्टे, और लास्ट के देखिए, फिर ये 6 फंदे हमारे जो दिख रहे हैं वो सीधे हैं, इन्हें हम सीधा ही बनाएंगे। ये देखिए, फिर हम बैक तरफ आ गए, ये थर्ड लाइन। तो इसमें भी जो शुरू के हमारे 6 फंदे उल्टे थे, उन्हें उल्टे ही बनाएंगे, और बीच के फंदे जो सीधे थे उन्हें सीधा करेंगे, और जो फंदे हमारे उल्टे हैं उन्हें उल्टा करेंगे। ये देखिए, उल्टे पे उल्टा बिनेंगे, और सीधे जो फंदे हमारे हैं उन्हें सीधा करेंगे। ये देखिए, शुरू के हमारे 6 फंदे उल्टे हो गए और आखिरी के हमारे 6 फंदे उल्टे। अब देखिए, हम सीधे तरफ आ गए हैं।
तो ये तीन सलाइयाँ हमारी इधर से देखिए सीधी दिख रही हैं, एक दो और तीन। अब इन्हें जो है हम ये देखिए सीधी तरफ से हम आ गए। अब इन फंदों को हम पूरा उल्टा बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः, जो छः फंदे हमारे सीधे थे वो छः फंदे उल्टे हो गए, और इसके बाद के दो फंदे हमारे देखिए ये उल्टे दिख रहे हैं, इन्हें भी हम उल्टा ही बनाएंगे इस तरह से। फिर बीच वाले फंदे ये सीधे के सीधा बनाना है, दो उल्टे को दो उल्टा करना है। ये देखिए ये दो उल्टे हो गए, दो सीधे हो गए। अब यहाँ पर देखिए फिर हमारे छः फंदे सीधे हैं और इनके बगल में दो उल्टे, तो शुरू में हमारे आठ उल्टे हो गए थे, तो यहाँ पे भी देखिए हमारे आठ फंदे अब उल्टे हो जाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। ये देखिए जो सीधी तरफ से हमने आठ फंदे उल्टे बिने थे, ये बैक साइड से अब ये हमारे आठ फंदे शुरू के सीधे हो जाएंगे, ये दो तीन चार पाँच छः सात आठ। फिर धागे को आगे करके बीच वाले जो दो उल्टे फंदे हमारे हैं उन्हें उल्टे बनेंगे और सीधे वाले को सीधा ही बनाएंगे। ये देखिए सीधे फंदे को सीधा और उल्टे फंदे को उल्टा किया। अब यहाँ से देखिए हमारे फिर आठ फंदे, दो सीधे ये धारी जा रही है और इसके बाद के जो फंदे थे वो फिर हमारे ये सीधे ही हो जाएंगे इधर से। ये आठ फंदे हमारे शुरू में सीधे थे और आखिरी के भी आठ फंदे सीधे हो गए। ये देखिए ये देखिए फिर ये शुरू में देखिए सीधी तरफ हम आ गए हैं, सीधी तरफ ये जो हमारे फंदे उल्टे दिख रहे थे आठ फंदे उल्टे, इन्हें उल्टा ही बनाएंगे। ये हमारे शुरू के आठ फंदे उल्टे, और फिर यहाँ से सीधे फंदे को सीधा और उल्टे फंदे को उल्टा करना है। बीच वाले हमारे जितने फंदे हैं उनको बिल्कुल धारियाँ सीधी वैसे ही हमारी जाएगी। ये शुरू के हो गए, ये बीच वाले सारे फंदे हैं, और ये देखिए लास्ट में हम आ गए आठ फंदे, तो इन्हें हम फिर उल्टा बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से हमारी ये तीन सलाइयाँ ये सीधी सीधी आई थी और ये तीन सलाइयाँ उल्टी उल्टी, तो ये छः रो में हमारी ये एक धारी बन गई। अब हम फिर देखिए सेवन्थ रो में क्या करना है, तो ये शुरू के फंदे हमारे आठ जो इधर से सीधे थे, इस बार हमारे आठ उल्टे हो जाएंगे, ये एक दो, ये एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, और इसके बगल में दो उल्टे देखिए, ये धारियाँ गई सीधी, यहाँ पे फिर दो उल्टे आ गए, तो इनको भी हम उल्टा ही बनाएंगे। तो आठ और ये दो दस फंदे हो गए। फिर बीच के सारे फंदे हमारे दो सीधे और दो उल्टे रहेंगे। ये देखिए, और जब हम लास्ट में आएंगे तो जो ये सीधे फंदे जो हमारे आठ फंदे थे उसके बगल में ये दो उल्टे थे, इन्हें भी अब हम ये सारे फंदे उल्टे हो जाएंगे। तो ये एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ और दस। ये देखिए शुरू में हमारे उल्टे उल्टे की ये छः फंदे थे, इसके बाद आठ हुए, अब यहाँ पे हमारे ये दस फंदे हो गए। तो ये तीन धारियाँ उल्टी, तीन धारियाँ सीधी, फिर तीन धारियाँ उल्टी, अब ये देखिए सीधा वाला आ गया, तो इसको हम सीधा बनाएंगे, ये एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस। अब ये देखिए जो ये सीधी लाइन जा रही थी इसी में ये देखिए यहाँ भी हमारी ये सीधी धारी बड़ी इधर से भी जा रही है। अब यहाँ के बीच के हमारे सारे फंदे उल्टे पे दो उल्टे और सीधे जो दो फंदे हैं उन्हें सीधा ही बनाएंगे।
और ये लास्ट में देखिए, फिर हमारे 10 फंदे सीधे हो जाएंगे। ये देखिए उल्टे की दो धारियां बनी थी, तो एक धारी हम और बनाएंगे। ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 1, 10। ये देखिए ये 3 धारियां बन गई। फिर बीच वाले फंदे उल्टे को सीधे, फंदे को सीधा, और उल्टे फंदे हमारे उल्टे रहेंगे। और आखिरी में फिर हमारे 10 फंदे, जैसे शुरू में 10 फंदे उल्टे थे, तो ये 10 फंदे उल्टे हो जाएंगे। और हर से 3 सिलाइयों पे हमारी डिज़ाइन बदलती है। तो ये देखिए सीधे तरफ जब हम आके, तो ये हमारे 3 फंदे सीधे जो हो गए, 3 सिलाइयाँ। अब यहाँ से हमारी ये उल्टी हो जाएंगी। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये 10 जो सीधे थे वो 10 उल्टे हो गए, और बगल वाले 2 फंदे हमारे और उल्टे हो जाएंगे। तो इस तरह से हम हर बार 2-2 फंदे बढ़ाते जाएंगे। 3 फंदे सीधे आए तो 3, यहाँ पे 3 लाइनें जब सीधी की हो गई तो 2 फंदे सीधे ऐड हो गए, फिर वही हमारे उल्टे रहे। फिर हम जब सीधे सिलाई पे आ गए, ये सीधे सीधे 3 धारियाँ जो आई तो ये ऐड हो गया। अब जब उल्टी धारियाँ शुरू हुई तो ये उल्टे वाले फंदे आ गए हमारे। तो इस तरह से हम ये पूरी रो बनाते जाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से 3-3 धारियाँ, हर एक उल्टी बनी है, फिर 3 धारियाँ सीधी, फिर 3 उल्टी, 3 सीधी, और हर बार ये 2-2 फंदे हमारे उल्टे के बढ़ते चले गए हैं। सीधी वाली सिलाई में सीधे फंदे बढ़े हैं, और उल्टी वाली सिलाई में ये देखिए ये उल्टे फंदे तक ये आया है। फिर यहाँ ये सीधी रो हमारी गई है यहाँ से, तो ये देखिए सीधे वाले तक आया है। तो इस तरह से हम जब बढ़ाते हुए जाएंगे तो आखिरी में हमारे सिर्फ 2 फंदे जब सीधे रह जाएंगे, ये देखिए यहाँ पे हमारे सिर्फ 2 फंदे सीधे हैं, और बाकी की ये सब धारियाँ हमारी ये उल्टी हो गई हैं। तो अब इसे देखिए, इसके आगे इसी में मैं बताती हूँ आपको। तो जब 3 धारियाँ हमारी उल्टे उल्टे की हो गई है, 1, 2, 3 धारियाँ जब उल्टे उल्टे हो गई, तो ये पूरी लाइनें मैंने सीधी बनाई हैं। ये यहाँ से हमारे फंदे पूरे सीधे हो गए, ये भी सीधा देखिए बन रहा है, और इसे हम पूरी रो इस तरह से सीधा बनाएंगे। ये देखिए ये बीच में हमारी सीधे के 2 फंदे बचे हैं, तो इस एक फंदे को हम ऐसे ही बिन लेंगे, और दूसरे वाले फंदे को ऐसे पलट के, और एक और इसके बगल वाला उल्टा, इन 2 फंदों का एक कर देंगे। फिर इसको पलट देंगे, बैक साइड आ जाएंगे, इस एक फंदे को उतार लेंगे, और एक इन 2 फंदों का एक करेंगे। फिर ऐसे पलट देंगे, पहले वाले सीधे को उतार लेंगे, दूसरे वाले सीधे को ऐसे पलट के सीधा करेंगे, और इन 2 फंदों का एक करेंगे। ये फिर ऐसे पलटेंगे, पहले वाले फंदे को उतारेंगे, और दूसरे वाले फंदे और इसके बगल वाले फंदे को उल्टी तरफ से हम ये उल्टा बिन लेंगे, और जब पलट के हम ये सीधी तरफ आएंगे तो पहले वाले फंदे को उतार के दूसरे वाले फंदे को पहले सीधा करना होगा, और 2 का एक करना होगा। फिर हम पलटेंगे, बैक साइड आ जाएंगे, उल्टे वाले को एक उतार लिया, एक और एक बगल वाला। इस तरह से जब हम पूरे फंदे को हर बार घुमा घुमा करके ऐसे 2 के एक करते जाएंगे, फिर हम इस तरह से ये देखिए सीधे तरफ आ गए, सीधे फंदे को उतारेंगे, एक पहले फंदे को हर बार उतारना है, और जब सीधी तरफ आएंगे तो इस फंदे को पलट देंगे, 2 का एक करेंगे, और जब हम उल्टी तरफ आएंगे तो उल्टे फंदे को नहीं पलटना है, इसको और ये इन 2 फंदों का एक हम करेंगे। तो इस तरह से हमारी ये पीछे ये सिलाई बनती जाएगी। हम ये पूरा करके आपको दिखाते हैं।
ये देखिए हम ये आखिर में आ गए हैं। ये सीधे वाले फंदे को ऐसे पलट दिया और दो का एक करेंगे, फिर ये पलटेंगे, पहले वाले फंदे को उतारेंगे, इन दो फंदों का एक, फिर पलटा और ये देखिए सब हमारे फंदे बिल्कुल बराबर ही आते हैं, और इन दो फंदों का एक किया, फिर पलट के आए, एक उतारा, इन दो फंदों का एक किया, फिर दूसरी साइड आए, ये सीधे फंदे को उतार के इसको पलट दिया और इन दो फंदों का एक किया, फिर ये पलट के आए, एक उतारा, इन दो फंदों का एक किया, फिर सीधी तरफ आए, एक सीधे को उतार के ये दो फंदे बचे, इन दो फंदों का इधर से एक किया, फिर दूसरी साइड से ये एक उतारा, इन दो फंदों का एक किया। अब ये हमारे देखिए दो फंदे सीधे बचे हैं, अब इन दोनों फंदों को एक साथ ऐसे ही बिन लेंगे। ये देखिए यहाँ से कट कर दिया, तो ये देखिए हमारी ये कैप की डिज़ाइन, ये कितने खूबसूरत कैप बन गई, और ये पीछे से इस तरह से ये हमारी दिख रही है। अब जहाँ से ये नीचे है, ये नीचे के साइड से यहाँ से हम अब ये फंदे उठाएंगे। ये देखिए जहाँ से ये मैंने फंदे उठाए थे, ये धारी बनी थी, ये हमारा सामने चेहरे पे आएगा, और ये नीचे जो लाइन है यहाँ से हमने डोरी जो कट की थी, इस साइड से अब यहाँ से हम फंदे उठाएंगे और फंदे उठा करके हम नीचे का बॉर्डर बनाएंगे। ये देखिए ये नीचे से मैंने फंदे उठा करके सीधी तरफ से सीधा और उल्टी तरफ से उल्टा बिना है, इसमें मैंने 65 फंदे डाले हैं। अब यहाँ से हम ऐसे डबल करके और यहाँ से हमारी सिलाई हो जाएगी, और इस सिलाई करने के बाद ये डबल बॉर्डर मेरा तैयार हो जाएगा, और इसमें हम डोरी लगा देंगे और हमारे ये बच्चे का कैप तैयार हो जाएगा। इस तरह से ये कैप की डिज़ाइन बन गई। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कि ये डिज़ाइन आपको कैसी लगी। थैंक यू।